हेलो एवरीवन, आप सभी को वेलकम हमारे प्लेटफॉर्म एनलाइट पर। और आज हमारे पास है फिज़िक्स के चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको दिया गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले बात करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी नेचर में चार्ज एग्जिस्ट करता है ना, 10 माइक्रो कूलम, 7 माइक्रो कूलम, जितना भी चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज का। मैं आप इसे डेफिनेशन लिखता हूँ। एवरी चार्ज दैट एग्जिस्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज। अभी स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। जो भी चार्ज क्यू एग्जिस्ट कर रहा है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज का। ये क्या है? ई, ये है एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या होता है? एन बिलोंग करता है हमेशा इंटीजर्स को, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या होती है? जैसे यहाँ तो होगी +1.6, -19, या फिर यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। और ये क्यू क्या होगा? जो चार्ज है। तो ये था स्टेटमेंट का मतलब, यानी कि एवरी चार्ज दैट एग्जिस्ट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज। सेकेंड पार्ट क्या है? वाई कैन वन इग्नोर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज़ लार्ज स्केल चार्जेस। यानी कि अगर हम ज़्यादा चार्ज की बात करें तो तब हम इस क्वांटिटी को, इस टर्म को क्या इग्नोर कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक तो चार्ज होते हैं ना, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। मिलियंस ट्रिलियंस क्वांटिटी में हम बात करते हैं चार्जेस की। तो क्या है कि हम इस इफेक्ट को, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट चार्ज को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था इन दोनों पार्ट का आंसर। आई होप कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। बाकी क्वेश्चन हमारे चैनल पर हैं, आप वहाँ पर जाकर उनको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।